नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी न्यूज से अभिषेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये खबर हमारे सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव परिवार से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में अभी बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन भी लालू परिवार में अभी भी मनने और मनाने का सिलसिला जारी है। इस कारण पार्टी समेत लालू प्रसाद यादव स्वयं काफी परेशान चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव राजद से काफी नाराज चल रहे हैं। उनको मनाने की काफी कवायदें की जा रही हैं। यहां तक कि स्वयं खबरें आ रही हैं कि माता राबड़ी देवी ने स्वयं उनको मनाने का जिम्मा संभाला था, लेकिन उनकी भी प्रयास जो थी वो असफल रही और तेजप्रताप यादव अभी तक माने नहीं है। गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव की नाराजगी अपनी मां राबड़ी देवी को चुनाव लड़वाने के लिए है। वो चाहते हैं कि सारण लोकसभा सीट से उनकी मां और पार्टी की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। तेजप्रताप कहते हैं कि सारण लोकसभा सीट लालू प्रसाद की पारंपरिक सीट है, तो इसलिए इस सीट पर लालू परिवार का ही कोई उम्मीदवार लड़ेगा। जबकि आरजेडी ने सारण से प्रताप के ससुर जो है चंद्रिका राय जी और को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बात को लेकर तेजप्रताप काफी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी के दौरान ही तेज प्रताप ने एक नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर लालू राबड़ी मोर्चा रखा है। तेज प्रताप ने इस पार्टी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों का नाम भी घोषित कर दिया है। तेज प्रताप ने इसके साथ ही ऐलान किया है कि यदि उनकी मां को सारण सीट से नहीं उतारा जाएगा तो वो खुद सारण लोकसभा सीट से अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। इन सब बातों से दोस्तों यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि लालू परिवार के अंदर का जो अंतर्कलह चल रहा है ये अभी कुछ दिनों तक खत्म होने वाला नहीं है। तो अगर लालू परिवार को या फिर राजद को आगे चुनाव मैदान में सियासी मुद्दों को खत्म कर चुनाव जीतना है तो जल्द